स्पॉटिंग एरर एक ऐसी चीज है जो बहुत कम लोग 100% कर पाते हैं, ज्यादातर लोगों के साथ वो सिर्फ 50% ही हो पाती है। अब इसकी अगर ट्रिक आपको पता होती तो आप शायद कर पाते, ये सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चों को पता होती है। दे समहाउ नो, वो बोल नहीं पाते हैं अंग्रेजी, बट अगर आप ध्यान से देखो तो वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो इंग्लिश का पेपर सीडीएस एनडीए का फाड़ के आते हैं। बोलना नहीं आता है बट पता है पेपर सॉल्व कैसे करना है। अभी कैसे हो पा रहा है? देखिए, आप में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब स्पॉटिंग एरर आता है तो पढ़ के देखते हैं भैया पढ़ने में कहां सही लग रहा है, कहां गड़बड़ लग रहा है। अब अगर सेंटेंस नंबर सेकंड लूं, ये सेंटेंस बहुतों को सही लग रहा होगा पर हिंदी मीडियम वालों को सही नहीं लग रहा होता। ये वो करने का तरीका ही उनका अलग होता है। उनका तरीका होता है, पहला तरीका होता है एलिमिनेशन। वो सेंटेंस के टुकड़ों को एलिमिनेट करके देखते हैं कि भैया कौन सा सही है कौन सा गलत है। उनको पता है भैया ये चीज सही है, सिंपल ग्रामर है, ये चीज भी सही है, सिंपल ग्रामर है, ये चीज में गड़बड़ है, इसका मतलब नो एरर तो आएगा नहीं, इसमें गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? देन नहीं आता, ओवर आता है। इनको पता है कैसे? अभी इनको ओवर कैसे पता लगा मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। इसके बाद आपको 100% ग्रामर आपको आ जाएगी और आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो मेक श्योर कि आप इसको पूरा देखें वीडियो को, और जो जो इंस्ट्रक्शन मैं देता जा रहा हूं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं जरा। मेरा नाम है शुभम वाष्णे, बाय प्रोफेशन आई एम यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड चैनल, माय एम स्टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले आपको जो मैं चीज बोल रहा हूं आपको नोट करते जानी है, और एक बात का ध्यान रखना है कि वो चीज एग्जाम में आएगी। जो मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है और एग्जाम में आएगी, इस बात का भरोसा लेके चलना है, तभी आपका फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। 10 जगह से पढ़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कहानी वहीं रह जानी है। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनिए, यहां पर आपके सामने है ही वॉन्ट्स दैट आई शुड डू इट, ही वॉन्ट्स मी टू डू इट। अब इन दोनों में क्या ही अंतर है? एक सेंटेंस और देखते हैं जरा, दे ऑर्डर मी वेट, दे ऑर्डर मी टू वेट। अब इसमें ऐसा क्या अंतर है? कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है, आपके सामने खुद कंफ्यूजन होगा, बट मैं आपको जरा समझाता हूं इसमें क्या गड़बड़ है। देखिए, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ टू आना कंपलसरी होता है, कि भैया अगर इनका इस्तेमाल हुआ है तो टू आएगा ही आएगा। क्लियर है? जरा यहां पर देखिए, ही वॉन्ट्स, जरा देख के बताएंगे वॉन्ट्स यहां पर कहां पर है। यहां पर देखिए वॉन्ट आपको दिख गया होगा, वॉन्ट के बाद टू आएगा ही आएगा। ऑर्डर देखिए, यहां पर ऑर्डर आपके सामने दिखा है, ये रहा। अगर आप ऐसी चीजों को याद कर लें तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा, आपको तुरंत सेंटेंस देख के पता लग जाएगा भैया यहां पर क्या करना है। फिक्स वर्ड है, याद करने में कंजूसी मत कीजिएगा। आगे चलते हैं जरा, यहां पर अगला देखिए, यहां पर आई लेट द बॉय टू गो। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ टू लगता है, पर कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनके साथ टू नहीं लगता है। वो कहते हैं अगर हम आएंगे तो टू नहीं आएगा, हमारी दुश्मनी है, खानदानी दुश्मनी है, वो नहीं चलेगा। अब जरा अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें, आपको गलती पता ही नहीं लगेगी अगर आपको वर्ड्स याद ही नहीं है। आई लेट द बॉय टू गो, आपको लगेगा सही है यार, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, ग्रामर तो मैंने ऐसे ही पढ़ी है। आई लेट द बॉय गो कौन सा सही है? कुछ लोग कहेंगे भैया मुझे पढ़ने में कुछ ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, पर सही में आंसर होगा ये वाला। जब लेट वर्ड का इस्तेमाल होता है तो टू सेंटेंस में नहीं आता है। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी, दोबारा बोल दे रहा हूं। जब जब लेट, मेक, सजेस्ट, बिट जैसे वर्ड आते हैं, चार ही वर्ड हैं, ठीक है, इनका अगर इस्तेमाल हो रहा है तो टू नहीं आएगा। सर आपने तो एक्सेट्रा भी लिखा, उसको मारो गोली, जो मैं कह रहा हूं उतना ध्यान रखो। ऐसे बतेरे वर्ड्स होते हैं, पर जो आपके एग्जाम में आने वाले वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ चार ही हैं, ध्यान से देखिए, मेक, लेट, सजेस्ट, बिट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं जरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों पढ़ने में सही लगेंगे, जो स्पोकन इंग्लिश करते हैं उनके केस में ये वाला सेंटेंस बड़ा ही कॉमन है, वो ऐसे बोलते हैं व्हेन शी विल सॉल्व अ प्रॉब्लम। अंग्रेजी बोलने वाले ऐसे करते हैं, पर एक्चुअल में ग्रामर जब लिखी जाती है तो वर्ब पहले आती है, इस बात को याद रखें, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा। छोटी सी बात है बट बहुत लोग स्पोकन इंग्लिश वाली गलती करते हैं। अगला सवाल आपको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं भी आपको बता रहा हूं, ऐसी मैंने एक वीडियो और बनाई है, रिसेंटली बनाई है, और उसमें मैंने इसी का पार्ट वन डाला, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी देखना है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा जो मैं आपको 100% का कह रहा हूं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं जरा यहां से। अब यहां पर कहानी आती है, दो क्वेश्चन और लाता हूं आपके सामने, पढ़ के बताओ इसमें से क्या बात सही है क्या गलत है। दे हैव लॉस्ट द वे इजंट इट, दे हैव लॉस्ट द वे हैवंट दे। आप कहेंगे सर दोनों सही है, यस दोनों ही सही है, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। They have lost the way, isn't it? They have lost the way, haven't they? दोनों बातें सही लग रही होंगी, एकदम चकाचक क्लियर एकदम। देखिए नॉर्मली ये सही तो लग रही होती है, पर एग्जाम में ऐसी नहीं आती, एग्जाम में ये चीज गायब होती है, एग्जाम में ये चीज गायब होती है। और जरा सेंटेंस को पढ़िए, और आप ऐसे ही सेंटेंस अपनी अंग्रेजी में होते हैं, दे हैव लॉस्ट द वे, isn't it? Isn't, ठीक है ना, दोबारा बोलता हूं, दे हैव लॉस्ट द वे, isn't?
यहां पर है दे हैव लॉस्ट द वे हैवंट। नाउ आपके बोलने में सिर्फ इतना ही आता है, ये चीज रह जाती है कि यहां पर कोई प्रोनाउन भी आएगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात, यहां पर प्रोनाउन आना चाहिए कोई ना कोई। अगर प्रोनाउन यहां पर मिसिंग है तो इसका मतलब सेंटेंस में गड़बड़ है। सेम वे यहां पर देखिए, यहां पर अगर यहां से प्रोनाउन गायब है आपके उसमें तो ये गड़बड़ है। इस चीज को हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। जिन्होंने ग्रामर पढ़ी होती है उनको बात पता होती है, हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। ज्यादातर यहां पर वही प्रोनाउन आता है, वही प्रोनाउन आता है जो यहां पर यूज हुआ है। क्लियर है? आप अपने हिसाब से अलग भी यूज कर सकते हैं, बट आपसे कोई पूछेगा तो है नहीं भैया प्रोनाउन कौन सा है, आपसे तो पूछेगा भैया एरर है कि नहीं है। तो भैया याद रखना, अगर क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग मतलब क्या है कि पहले एक सिंपल सी सेंटेंस दे दिया है, ध्यान सुनिए, एक सिंपल सा सेंटेंस दे दिया है, सेंटेंस देने के बाद कॉमा लगाने के बाद पूछ लिया है क्या ये बात सच है, क्या ऐसा हुआ है। अगर ऐसा कुछ पूछ लिया गया है तो यहां पर याद रखिएगा कि प्रोनाउन आएगा। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल आप सीडीएस या एनडीए में हजार बार देख चुके होंगे, पर आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। सेंटेंस के कभी आगे बीइंग अ हॉट डे नहीं आता। दिस इज अ रॉन्ग इंग्लिश, कंप्लीटली रॉन्ग इंग्लिश है। यहां पर आपको समझना होगा बीइंग के आगे हमेशा कुछ लगना चाहिए, जरूरी नहीं है इट लगे, पर कुछ भी लग सकता है, पर अकेले बीइंग नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। तो यहां पर इट का इस्तेमाल करें आप, बीइंग को कभी स्टार्टिंग में यूज ना करें और आपका यहां पर आंसर सही हो जाएगा। ये आपको सीडीएस एनडीए में हजारों बार दिख जाएगा, चेक कर लो आपने। अगर नोटिस नहीं किया तो आपको मिल जाएगा, कोई सा पेपर उठा लो, काफी ज्यादा चांसेस है ये सेंटेंस आपका उसमें होगा ही होगा। क्लियर है? या तो आपका एक क्लॉज टेस्ट में आपको मिल जाएगा, दोबारा बोल दे रहा हूं, क्लॉज टेस्ट में मिल जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में मिल जाएगा, या आपको स्पॉटिंग एरर में, पर मिलेगा जरूर, कोई भी पेपर जाके चेक कर लो। क्लियर है? यहां तक की बात होगी। यहां से हम आगे देखते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये गलतियां तो मतलब ऐसी हैं, हद बेवकूफाना, हद बेवकूफाना। ही इज नॉट सीनियर देन यू, भैया बोलने में कितना सही लग रहा है, बट भैया सुपीरियर के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, एल्डर, इन सब के साथ टू का इस्तेमाल होता है जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं या बता रहे होते हैं मेरे से औहदे में बड़ा है या छोटा है। क्लियर है? ये छोटी छोटी बातें अगर आपको याद नहीं है तो आप एग्जाम में गलती करके आओगे। सच में यार तुम में से कितने लोग होते हैं इसको टिक मार्क कर आते हैं, इज नॉट सुपीरियर देन यू। अच्छा बोलने में सही लग रहा है, सेंस भी दे रहा है, तो इस चक्कर में भैया हाँ सही है ये तो। नहीं भैया सही नहीं है, ये रट के जाओ भैया, चार वर्ड है, कंजूसी मत करना रटने में, ठीक है ना। लिख लो पेपर पे, हाथ पे लिख लो, कहीं भी लिख लो, पर चार बार इनमें बोलोगे याद हो जाएगा। एग्जाम आने में अभी टाइम है, आप कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं जरा। ही इज अवेटिंग फॉर यू, ही इज वेटिंग फॉर यू, कौन सा सही है? अगर मान लो मैं यहां पर इसको आपको बताऊंगा, ही इज वेटिंग फॉर यू, सर 200% सही है, बचपन से लिखता आ रहा हूं, ग्रामर की नॉलेज होना हो पता है मुझे, पर बिल्कुल सही बात है मेरी जान। बट यहां पर फॉर नहीं आता है जब अवेटिंग आता है। मतलब सर अवेटिंग मतलब ही वेट फॉर होता है, अवेटिंग मतलब ही वेट फॉर होता है, आप गूगल पर सर्च कर लो मिल जाएगा आपको, अवेटिंग मतलब वेट फॉर होता है। तो अवेटिंग के बाद फॉर क्यों लगा रहे हो? बात समझ में आ रही है? मीनिंग एक ही है बट आपको यूज करना आना चाहिए। ये वर्ड आपने हजार दो हजार बार देख चुके हैं आप, फिर भी आपको नहीं पता इसके बाद फॉर नहीं आता। एग्जाम में फॉर पूछ लेगा कि हाँ फॉर आता है यहां पर, तुम्हें नहीं पता अभी भी। बात समझ रहे हो? बहुत छोटी छोटी मिस्टेक है जो आप गलती करके आते हो, इन्हीं चीजों के सवाल आते हैं। आगे बढ़ते हैं जरा। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैं अनअकैडमी पे भी ये चीजें पढ़ाता हूं, मैंने आपको अभी तक शायद नहीं बताई है, पर अनअकैडमी पे सारी चीजें पढ़ाता हूं, एकदम फ्री पढ़ाता हूं। तो अभी मेरे साथ क्या हुआ, मैं ग्रामर पढ़ाता हूं वहां पर 12:30, अब तो खैर क्लासेस खत्म हो गई हैं, 1 अक्टूबर से शुरू करी थी और 31 अक्टूबर को खत्म हो गई, ग्रामर की पढ़ा रहा था मैं, ठीक है, पर आप उसे रिकॉर्डेड देख सकते हो। वहां पर एक फायदा क्या हुआ था, अगर आपके पास टाइम है तो जरूर देखो, 50 नंबर से जिन बच्चों की शुरुआत हुई थी, मैंने कहा था भैया मॉक टेस्ट देकर आना अगर मेरी क्लास ज्वाइन करनी है, तो उन्होंने बताया था कि 50 नंबर आते हैं मेरे और क्लास खत्म करते करते उनके टोटल मार्क्स जो आने लगे वो 80+ आने लगे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था मॉक टेस्ट में, PYQs में। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ये आप जरूर करो। आप अगर ये तो चलो मैंने लाइव क्लास ली थी, फ्री क्लासेस है, ठीक है, फ्री क्लासेस आपने मिस कर दी कोई दिक्कत की बात नहीं है, फर्स्ट से 31 अक्टूबर तक की है। आप सिंपल करो, मेरी साइट पे मतलब मेरे गूगल पे सर्च करो शुभम वार्षिक अनअकैडमी, मैं आपको मिल जाऊंगा वहां पर। वहां पर आपको स्पेशल क्लासेस का ऑप्शन मिलेगा, एक स्पेशल क्लासेस फ्री होती है एकदम फ्री, वहां पर जाना, 1 अक्टूबर से जाकर देखना शुरू कर देना, सारी क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट, आपका ग्रामर का कोई भी चीज अनक्लियर नहीं रह जाएगा। क्लियर है? अच्छा एक बात और, उस क्लास में ना आप ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकते, मतलब है तो फ्री, वो 100% फ्री है, पर उसके लिए ना एक कोड है। कोड क्या है? कोड का नाम है वार्षने, VARSHNEY, जो मेरा लास्ट का नेम है, मेरा सरनेम जो है वही कोड है। क्लास में घुसने से पहले वो पूछता है भैया कौन से टीचर के
नाम पे आए हो तो आपको बताना है सर वार्ष्णे सर के नाम पर आए हैं। वार्ष्णे आप टाइप करोगे आपको अंदर जान देगा वो, क्लियर है। वार्ष्णे सिंपल वार्ष्णे, शुभम टाइप मत करना, खाली वार्ष्णे टाइप करना है आपको, क्लियर है। तो आपको एंट्री करने देगा, क्लियर है। यहां से जरा हम आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर की क्लासेस में जो ले रहा हूं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब यहां पर आपको ये क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, क्लासेस देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम पे आपको इन चीजों की अपडेट आती रहती है, और फ्री पीडीएफ मैंने अभी बच्चों को दी है जिसमें मैंने उन्हें वोकैब दिया है, फ्री वोकैब दी है। सीडीएस 2013 से लेके सीडीएस 2021 तक की सारी वोकैब एक जगह लिख के दी है कि भैया याद कर लो पीपीटी फॉर्मेट में। सेम मैंने एनडीए के लिए भी करी है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें तभी आपके फायदे होंगे। पूरा का पूरा फोल्डर है, हमेशा याद रखो जब भी आप एनडीए की तैयारी करो तो सीडीएस का रेफरेंस जरूर लो वो कैप का, और जब आप सीडीएस की तैयारी करो तो एनडीए का जरूर करो। क्यों? क्योंकि दोनों ही पेपर यूपीएससी के हैं। बात क्लियर है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दे एंटर्ड इनटू द रूम, दे एंटर द रूम, सर समझा नहीं मैं, दे एंटर इनटू द रूम, दे एंटर द रूम, दोनों ही सही है क्या? नहीं जनाब, दोनों सही नहीं है। एंटर के साथ इनटू नहीं आता, एंटर का मतलब होता है गो इनटू, समझ रहे हो, एंटर का मतलब होता है गो इनटू। अब इनटू इसमें लगा हुआ है इसकी मीनिंग में, तो इनटू यहां क्यों लगा रहे हो? एग्जाम में आपको ये हजारों बार सवाल मिल जाएगा, मुझे याद नहीं आ रहा शायद 2019 का पेपर है उसमें ये आया है ये एरर, 2019 का आई थिंक सेकंड पेपर है उसमें ये एरर आ रहा है, आ रखा है मतलब। तो आप मेक श्योर करो कि इस चीज को ध्यान में रखो, ये जो बता रहा हूं इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपको सिर्फ मेरे पे कॉन्फिडेंस रखना है, क्लियर है। यहां से आगे चलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन इज शी, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन इज शी, क्या मतलब क्या कर बढ़े यहां पर? सर ए नहीं आएगा, सर यहां ए आएगा, एक वुमेन है पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, नहीं यार ऐसा नहीं होता। यहां पर एक्चुअली लिखा है काइंड ऑफ, काइंड ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं आता, ये बात आपको पता ही नहीं होगी। आपको ए एन द की नॉलेज होगी, अच्छी बात है भैया ए एन द की नॉलेज है, पर आपको ये पता ही नहीं है कि किसके बाद आएगा किसके बाद नहीं आएगा, काइंड ऑफ के बाद आता ही नहीं। अब काइंड ऑफ ऐसी चीज है जो अंग्रेजी में पता नहीं कितनी बार इस्तेमाल हुई है, इसलिए आप सीडीएस में या एनडीए में गलती करके आ रहे हैं। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। यहां से आगे चलें जरा, वी कंसिडर हिम एज अ ग्रेट लीडर, वी कंसिडर हिम एज अ ग्रेट लीडर, वी कंसिडर हिम अ ग्रेट लीडर, एज कहां चला गया भैया, एज में कोई दिक्कत है कि मैं मानता हूं, क्या दिक्कत है भैया, एज आना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं आता है, नहीं आता है एज, जब आपका कॉल कंसिडर सेलेक्ट इलेक्ट चूज नेम अपॉइंट आता है तो उसमें नहीं आता है। देखो कंसिडर कहां है यहां पर, ये रहा देखो कंसिडर, नहीं आएगा इसके साथ, एज नहीं आएगा। अरे यार ये चीजें कहां मिलती हैं ऐसे भैया, इसी वीडियो में मिलती हैं, और ये वीडियो या तो दो बार देख लो या दो बार अच्छे से नोट्स बना के रट लो, किसी को सुना दो किसी को पढ़ा दो, आपको इससे ज्यादा डिफिकल्टी का लेवल नहीं आएगा। आगे देखिए, ही सेड बिसाइड्स मी, ही सेड बिसाइड मी, ये ऐसी चीज है जो बचपन से आ रही होती है। बिसाइड के आगे देखो एक जगह एस गायब है और एक में एस है, तो जिसके आगे एस नहीं है इसका मतलब ये होता है कि मुझे पड़ोसी चाहिए, ठीक है, मतलब मेरा पड़ोसी। ही सेट बिसाइड मी इसका मतलब है मेरे बगल में बैठा है, मेरे बगल में बैठा है। जिसके पास ऑलरेडी एस है वो कहता है मुझे कुछ और भी चाहिए, उसका मतलब होता है इन एडिशन टू। मेरे पास पेंसिल है पर बिसाइड पेंसिल मुझे रबड़ भी चाहिए, इंक भी चाहिए, पेन भी चाहिए, स्केच पेन भी चाहिए, टॉफी भी चाहिए, गर्लफ्रेंड भी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। तो यहां पर आता है बिसाइड्स, इस पे एस है इसको बाकी चीजें भी चाहिए, पर जिसके पास एस नहीं है तो उसको क्या चाहिए, पड़ोसी चाहिए। तो बगल में बैठने को कहते हैं बिसाइड, बी ई एस आई डी, बिसाइड। और अगर आपका पड़ोसी ऑलरेडी है तो आपके पास है बिसाइड्स, इसका मतलब है मुझे एडिशन में कुछ चाहिए। बात क्लियर है, आई होप मेरी बात सबको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं जरा, अगला सवाल यहां बताने से पहले मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर की ना मॉक टेस्ट सीरीज भी है, जैसे मैं बेहतरीन तरह से आपको ये पढ़ा रहा हूं वैसे ही मैंने करंट अफेयर का भी मॉक शुरू कर दिया है। करंट अफेयर का मॉक आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये फ्री मॉक है, कोई पैसे नहीं लग रहे आपसे, दो रुपए नहीं लग रहे आपके। सिंपल आपको क्या करना है कि आपको मेरे को अनअकैडमी पे ज्वाइन करना है। अनअकैडमी पे ज्वाइन करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, आपके पास टेलीग्राम ऐप आपको इंस्टॉल करनी है, मैं आपको बता चुका हूं, राइट, ये वाली, वहीं पर आपको पता लगेगा कि अगला मॉक कहां है। अब ये मॉक कैसे होता है, मॉक का बड़ा ही सिंपल तरीका है कि 12 के 12 महीने, जैसे यहां से हैं दिसंबर तक है, बट एग्जाम में जो आएगा आपका अक्टूबर तक, नहीं सॉरी सितंबर तक आपका आएगा, तो सितंबर तक के आपके सारे मॉक होंगे। कैसे होंगे, पहले होगा जनवरी फरवरी मार्च, क्लियर है, इन तीन का मॉक एक साथ होगा, उसके बाद मार्च अप्रैल मई, ऐसे होगा। अब होगा कैसे, ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने करंट अफेयर पढ़ी नहीं होती है, क्लियर है। अब करंट अफेयर तुमने पढ़ी नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं पहले ही तुम्हें दिन में पीडीएफ दे दूंगा कि भाई तू पहले पढ़ ले, तू पहले अच्छे से पढ़ ले इसमें क्या है, ठीक है, उसके बाद तू शाम को रात को 9 बजे तू मॉक टेस्ट देने आ,
क्लियर है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो, अगर भैया मैंने तुमको दे दिया पहले पेपर लीक करके, पढ़ लो ढंग से, फिर शाम को कर पा रहे हो, तो तुम्हें दो बार करने से याद हो जाएगा और काफी ज्यादा चांसेस है इस मॉक से काफी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। भगवान की दुआ रही, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने करंट अफेयर कराई थी तो CAPF, AFCAT और TA में मेरे पढ़ाई हुई चीजें आ गई थी। अब भगवान की दुआ रही तो CDS और ND में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप इस मॉक को दो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस वही है, जब आप एंटर करोगे तो आपसे कोड मांगेगा, तो कोड आपको याद रखना है, कोड है वाशने। क्लियर है, क्या है? मेरा लास्ट नेम जो है वही कोड है, मेरा सरनेम जो है वही कोड है यहां पर। अब बैक स्क्रीन क्लियर हो? हाँ जी, ये रहा कोड, क्लियर है। स्पेलिंग नोट कर लेना, गलती मत करना। यहां तक हो गई कहानी, यहां से आगे बढ़ते हैं जरा। यहां से अगला है, दे विल रिटर्न इन दिस मंथ, वो इस महीने रिटर्न हो जाएंगे। दे विल रिटर्न दिस मंथ। सर ये क्या गड़बड़ है, सर ये क्या कह रहे हो आप, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों ही सही लग रहे हैं ना ये तो? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जब टाइम का एक्सप्रेशन करना होता है, ठीक है ना, तो आपके पास यहां पर इनका इस्तेमाल नहीं होता है, आपका यहां पर दिस दैट का इस्तेमाल होता है, और उसमें कोई भी प्रिपोजिशन नहीं आती है। सर समझ नहीं आ रहा, दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान सुनो मेरी बात। ये क्या है मंथ? मंथ क्या है? टाइम का रेफरेंस दे रहा है भैया, ठीक है। इस महीने में उसने करा है, ठीक है। तो इस महीने के साथ यहां पर दिस, आपको दिस दैट दिख रहा है, ठीक है ना, यहां पर दिस या दैट जो भी है वो दिख रहा है आपको, यहां पर दिस दिख रहा है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि जब दिस दैट नेक्स्ट लास्ट आए तो उससे पहले कोई प्रिपोजिशन नहीं लगानी। प्रिपोजिशन क्या होता है? कई लोगों को प्रिपोजिशन कंजक्शन में बड़ी दिक्कत आती है। प्रिपोजिशन क्या होता है? जो किसी की पोजिशन बताए। कंजक्शन क्या होता है? जो दो लोगों को जोड़े। क्लियर है। जंक्शन, जंक्शन भैया रेलवे स्टेशन का जंक्शन होता है, तो उसका काम होता है जोड़ना, दो शहरों को जोड़ना। पोजिशन का मतलब होता है कोई चीज की पोजिशन बताना, तो वो इस मंथ के बता रहा था, तो यहां पर इन क्या हुआ? प्रीपोजिशन हो गया, तो यहां पर इन नाम की कोई चीज नहीं आएगी, ऑफ भी नहीं आएगा, ऐसा कोई भी प्रीपोजिशन यहां पर नहीं आएगा। क्लियर है। तो सही सेंटेंस कौन सा हुआ? सेंटेंस हुआ आपका सेकंड वाला सही, दिस विल रिटर्न दिस मंथ। क्या बोल रहा हूं? दोबारा बोल दे रहा हूं आखिरी बार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस दैट नेक्स्ट लास्ट, जब भी ऐसी चीजों का, जब भी ऐसे वर्ड्स आएंगे और उसके आगे टाइम का रेफरेंस होगा, तो आप कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे। आई होप मेरी बात क्लियर है। दे विल रिटर्न दिस मंथ इज द एब्सोल्युटली राइट सेंटेंस। क्लियर है, आगे बढ़े। द बॉयज गोज टू कॉलेज बाय वॉक, द बॉयज गोज टू कॉलेज ऑन फुट। याद रखिए, आप दुनिया में सारी चीजों पे बाय लगाते हैं जिससे आप चलते हैं, पर याद रखें जब भी आप पैर से चलते हैं ऑन फुट लगाते हैं। यहां पर बच्चे बाय फुट लिख कर आ जाते हैं और ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। 2017, 2019, 2020 इन तीनों पेपर में आपको ये क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा, जहां पर फुट का रेफरेंस है और बच्चे बाय लगा कर आए। इतनी बेवकूफाना हरकत होती है, क्या बताऊं मैं, उल्टी करने का मन करता हूं मैं उनसे। आगे देखिए जरा, देखिए अब मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बता रहा हूं जिसमें आपको पता होना चाहिए कि भैया किसके साथ क्या आएगा। देखिए यहां पर लिखा है सल्ला इज सफरिंग विद फीवर या सल्ला इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्या दोनों ही सही है? अगला देखिए, दे स्टार्टेड टू करनॉल। करनॉल कई लोगों नहीं पता भैया क्या चीज है, भैया जगह का नाम है, देख के कंफ्यूज मत हो जाया करो। दे स्टार्टेड फॉर करनॉल, गलत। अब मैं आपको ऐसे कुछ सेंटेंस बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंट आते हैं, बट आपको पता नहीं होता भैया क्या करना है। देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, यहां पर लिखा है सल्ला इज सफरिंग विद फीवर, सल्ला इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, कौन सा सही है भैया? ये वाला सही है। एग्जाम में नॉर्मली आपको समझ नहीं आता, यहां पर ऑप्शन दे दिए विद, फ्रॉम, ऑफ, ठीक है, यहां पर कुछ और दे दिया, बच्चे बड़े कंफ्यूज, क्योंकि भैया विद लगाने पे भी सेंस बन रहा है, फ्रॉम लगाने पे भी सेंस बन रहा है, ऑफ लगाने पे भी सेंस बन रहा है, पर भैया सही तरीका यहां पर ये है कि आंसर में आपको फ्रॉम लगाना है। रट के जाओ यहां पर, जब भी आपकी बीमारी की बात आ रही होगी तो आप फ्रॉम लगाएंगे, किससे सफर कर रहे हो? फ्रॉम फीवर। क्लियर है। यहां पर एक बात और ऐड करना चाहूंगा, आपको पता होना चाहिए यहां पर फीवर के साथ आ और आएगा, फ्रॉम आ फीवर। क्लियर है, इन दो बातों का आप ध्यान रखिए, तभी आपका सेंटेंस जमेगा। ये छोटी छोटी जितने भी सेंटेंस मैं आप लिखवाने जा रहा हूं आपको, जो भी लिखे हुए आपके सामने, ये सेंटेंसेस आपके एग्जाम में मोस्ट फ्रिक्वेंट आते हैं। रट के जाना भैया ऐसा ही होता है, जब आप किसी जगह से स्टार्ट कर रहे हो तो उस जगह के साथ फॉर आता है, कभी टू नहीं आता। दे स्टार्टेड टू करनॉल, गलत जवाब। जब आप किसी जगह से स्टार्ट करो, याद रखिए आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखना। अब समझ में आ रहा है हिंदी मीडियम वाले ऐसे क्या है भैया? वो चतुर नहीं है, उनको अंग्रेजी बोलनी नहीं आ सकती भैया, उनको तो ट्रिक पता है ना, उन्हें कैसे आएगी उन्हें, पर तुम्हें ट्रिक ही नहीं पता, इस चक्कर में तुम गलत करके आते हो। वी गॉट डाउन द बस, नहीं, वी गॉट डाउन फ्रॉम द बस, फ्रॉम आएगा यहां पर, इस बात को याद रखें। हो सकता है आपको सेंस लग रहा है, अरे यार क्या सेंटेंस है, एकदम नो एरर है। नहीं भैया, नो एरर नहीं है, हर चीज के साथ एक
यहां पर तरीका होता है प्रेजेंट करने का अंग्रेजी में, ध्यान रखें इस बात को। आगे देखिए यहां पर एडम इज गुड इन इंग्लिश, नो, कितनी बार यूज किया एडम इज गुड इंग्लिश, कुछ नहीं होता भैया, एडम इज गुड एट इंग्लिश होता है, इन नहीं होता। आई एम गुड इन हिंदी, नहीं भैया, गुड एट हिंदी होता है। ये छोटी छोटी बातें ये पता होनी चाहिए, ठीक है। बचपन से बोलते आ रहो मैं भैया हिंदी में अच्छा हूं, मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं, मैथ्स में अच्छा हूं, नहीं, इन नहीं आता है, एट आता है, क्लियर है। आई एग्री विद योर प्रपोजल, गलत, कितनी बार यूज किया आई एग्री विद यू, नो, आई एग्री टू योर प्रपोजल। जब आप किसी के साथ एग्री हो रहे हो तो टू आता है। बात समझने की कोशिश करो, ध्यान से बताता हूं आप कहां गलती हो रही है। देखो मैं बताता हूं, ध्यान सुनो, जब आप किसी इंसान से एग्री हो रहे हो तो विद लगाओ, जब आप किसी चीज के लिए एग्री हो रहे हो टू लगाओ। फॉर एग्जाम्पल, दे एग्री टू अ मूवी, टू वॉच अ मूवी, टू वॉच अ मूवी। ध्यान से देखो, मैं दोबारा बताता हूं, जब आप किसी थिंग के लिए एग्री हो रहे हो, दे एग्री टू वॉच अ मूवी, अभी ठीक है, क्योंकि आप किसी थिंग पे एग्री हो रहे हो, बात क्लियर है, किसी नॉन लिविंग थिंग पे एग्री हो रहे हो तो आप टू लगाओ एग्री के बाद। अगर किसी आदमी के साथ एग्री हो रहे हो तो विद लगाओ। छोटी छोटी बातें होती हैं, यही अंग्रेजी में आपको मात खा जाती हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि अनअकैडमी पे अगर आपने मेरी इंग्लिश ग्रामर कर ली तो आपका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपने ये सारे वर्ड्स भी कर लिए जो मैंने आपको पढ़ाए तो भी आप 60-70% तो आराम से कर जाओगे, बहुत प्यार में, ठीक है। पूरा पेपर आराम से, पूरा पेपर कह रहा हूँ 60-70% आराम से कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर मैं कहूंगा अगर टाइम है, आज भी आप पढ़ना शुरू कर रहे हो तो मेक श्योर ग्रामर देख डालो, ठीक है। 1x 2x की स्पीड पे, 1x में मत देखना, सॉरी 2x की स्पीड पे वीडियो सारी देख डालो, सारी सारी एकदम मस्त है एकदम। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। गोपाल इज एंग्री विद हिज ब्रदर, कौन सा होगा भाई, इंसान के साथ एंग्री हो रहे ना, तो विद लिखो यहां पर, ठीक है ना। किसी चीज पे हो रहे होते तो ऑन लगाते मान जाता, भैया नॉन लिविंग थिंग आ गई तो हमने यहां पर कह दिया, क्लियर है। गोपाल इज एंग्री ऑन हिज बाइसाइकिल, अपनी बाइसाइकिल पे बहुत गुस्सा हो रहा है, तो भैया ऑन ठीक है पर इंसान के साथ विद लगाओ, क्लियर है, ओके। सेम बात यहां पर है, आई एम एंग्री विद हर बिहेवियर, बिल्कुल सही है। आई एम एंग्री एट हर बिहेवियर, गलत जवाब, एट तो भैया थिंग के साथ आता है, क्लियर है। और सर आपको क्या ऑन आता है, ऑन भी लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस याद रखो इंसानों के साथ विद का इस्तेमाल करना है, इंसानों के साथ विद का इस्तेमाल करना है, ये बात मत भूलना बस, क्लियर है। यही चीज तुम्हारे एग्जाम में आती है, पता नहीं तुमने कितनी बार आई है, तुमने नोटिस नहीं करी होगी। आगे देखो, शी गेव अ स्पीच, शी मेड अ स्पीच, सॉरी ये तो दोनों सही लग रहे हैं यार, ये क्या है। चीफ गेस्ट मेड एन इंटरेस्टिंग लेक्चर, चीफ गेस्ट गेव एन इंटरेस्टिंग लेक्चर, लेक्चर के साथ आता है गिव और स्पीच के साथ आता है मेक, तो बताओ भैया यहां पर ये सही हो गया और यहां पर ये वाला सही हो गया, बात समझ में आ रही है। छोटी छोटी बातें होती हैं, नहीं पता होती है, इसी वजह से गड़बड़ होती है। ऐसा नहीं है पेपर कोई तुरंत खा है, अगर सीडीएस की या एनडीए की नोटिफिकेशन देखोगे ना, उसमें इंग्लिश का सिलेबस क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो बेसिक इंग्लिश को समझ सके। अब बेसिक इंग्लिश में तुमको ये बात पता ही नहीं है तो तुम्हारी बेसिक बड़ी कमजोर है, ये होती है बात, क्लियर है। कभी जरा नोटिफिकेशन पढ़ना तुमको पता लगेगा। आगे देखें जरा, आई ऑर्डर फॉर अ कॉफी, आई ऑर्डर कॉफी, क्लियर है। यहां पर आपको समझना है कि जब भी ये वर्ड्स आते हैं तो इनके तुरंत बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती है। अगेन प्रीपोजिशन को लोग कंजक्शन से कंफ्यूज कर देते हैं, यहां पर कई बार ऑर्डर के बाद दैट लगा होता है, तो दैट भैया जो होता है वो होता है कंजक्शन, दोबारा बोल रहा हूं, दैट जो होता है कंजक्शन। हमें कहा गया प्रीपोजिशन, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन नहीं आएगा किसके बाद, ऑर्डर, डिस्क्राइब, डिस्कस, मैरी, मैट, अटेंड, टेल, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से। बहुत ही सरल भाषा में बोल रहा हूं, इन शब्दों के बाद आपके पास कभी भी, सॉरी हाँ, मैरी नहीं आएगा, मैरी आएगा, ठीक है, इन शब्दों के बाद कभी भी आपकी प्रीपोजिशन नहीं आती है, क्लियर है। याद रखिए यहां पर देखो एक ट्रिक है, यहां पर लिखा है मैरी, यहां पर लिखा है मैरी, ये अलग मैरी है, तो ध्यान रखिएगा छोटी छोटी बातें होती हैं, ध्यान से देखना वरना कंफ्यूज हो गए, सर यही तो मैरी लिखा है इसके बाद तो प्रीपोजिशन आ गई, नहीं भाई ये मैरी अलग है, ये एम ए आर वाई वाला मैरी, डबल आर वाला वाई वाला मैरी है, क्लियर है। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, क्लियर है। आगे देखें जरा, ओके, कट, 3 2 1 गो। अब यहां पर होती है हमारी कहानी खत्म, मेरी बात ध्यान से सुनिए सब लोग, मैंने कोई फी नहीं ली है आपसे एक रुपए की ये सब सिखाने के लिए, पर मैं फी इस बात की लूंगा कि एग्जाम में अगर इनमें से कुछ भी आ जाएगा तुम्हें मिलता है, सो मेक श्योर करो कि तुम मुझे मिठाई जरूर खिलाओ, चाहे जोमेटो से ऑर्डर करके खिलाओ या
मुझसे मिलके खिलाओ, पर खिलाना जरूर है। याद रखिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये वाला है, इस पर आप व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना। ऐसा नहीं है कॉल आपकी लेना ही चाहता, बट होता क्या है, या तो मैं किसी बच्चे को पर्सनल गाइडेंस दे रहा होता हूँ 1-to-1 गूगल मीट पे, तो मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाता हूँ, या मैं खुद शूट कर रहा होता हूँ, तो इसलिए व्हाट्सएप करो, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा जो भी आपकी दिक्कत आए। मैं लेता हूं आपसे विदा, इस वीडियो को देखना मत भूलना, और यहां पर अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करो, और ये जो आपका सीडीएस का करंट अफेयर का टेस्ट मॉक टेस्ट चल रहा है इसको लो, ये फ्री मॉक टेस्ट है, इससे बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आ जाएंगे। हर महीने की कम से कम 200 न्यूज़ें होती हैं, वो सब पे मैं टेस्ट लेकर आपके सामने आ रहा हूं। क्लियर है? चलिए मैं लेता हूं विदा, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। वो है अंतिम पगों के निशान।